एक डॉल्फिन बनाना बता रहा हूँ। डॉल्फिन एक पानी में रहने वाली मछली जैसी है, है ना। तो डॉल्फिन बनाने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सिंपल तरीका है। ई जैसा बनाएंगे, देखो ऐसे करके ये, और उसके बाद देखो ऐसे करके ये, सिंपल तरीका है आपका। ये बनके डॉल्फिन ऐसे, इसमें बहुत आसान तरीके से कलर बता रहा हूं मैं। कलर वाइट लेंगे, वाइट में थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा ब्लू, क्योंकि वो ग्रे कलर की होती है डॉल्फिन। और देखो तरीका मैंने कैसे बता रहा हूं, एक साइड से ये मैंने कर लिया लाइन, इसके बाद बाइट ले लिया प्योर, और लाइट ले लिया, इसके पंख बना लिए ये थोड़ा सा डार्क करके, और बारीक प्रोसेस की आउटलाइन कर लें। आउटलाइन मतलब जैसे आंख बनानी है, इसकी बाउंड्री बनानी है, तो इसकी हमने डार्क कलर से हम कर लेंगे। जैसे ये मैंने कलर तैयार कर लिया है, और आंख अभी खाली पानी में, तो बिना पानी के तो मर जाएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वाइट लगाया फिर, और थोड़ा सा ब्लू, देखो ये, इसको आप YouTube पे देखना और अच्छा लगेगा आपको। कल ये देखो प्रेस करते बेटा बनता, फिर इसमें और सुंदर करने के लिए हम इसमें कुछ कलरफुल फेस बना सकते हैं और भी। इसके बेटे देखो फिश और फिश बना सकते हैं, देखो बहुत बहुत आसान तरीके से। देखो मैंने एक्स बनाया, एक्स बनाना आता है, और एक्स को एक तरफ से हमने गोल गोल को घुमा दिया है।
भड़के इसको, ये मछली बन गई। फिर इसमें थोड़े से प्लांट बना दो, प्लांट बना दो थोड़ा सा पानी में, पेड़ छोटे छोटे प्लांट। बारीक ब्रश से फिर मैंने पहले बताया था हम लाइन कर सकते हैं इसकी अच्छी अच्छी, मतलब आउटलाइन तो जो बारीक ब्रश से करी जाती है और आउटलाइन ही क्लियर करती है इसकी, जैसे कुछ दिख नहीं रहा है आपको तो हम इसको कुछ ना कुछ बना सकते हैं। पानी की लाइनें दिखा दो ताकि लगेगा पानी के अंदर है ये। पानी की लाइन दिखा दे तो पानी के अंदर दिखा दी मैंने, थोड़ा सा थोड़ा पानी का हिस्सा तो पानी के बाहर। थोड़ा सा स्काई ब्लू कर दो, स्काई ब्लू नहीं हल्का सा, क्योंकि धूप निकलती है तो पीलापन तो आ जाता है ना, तो हम हल्का, लेकिन कलर मैंने बहुत लाइट कलर करता हूं, और लाइट करने के लिए कोई भी रंग में मिला के सफेद रंग मिला लो तो बहुत अच्छा सा लगेगा आपको। जो लाइन खींच रखी हमने बनाया, तो आज आपने इतने अच्छे चित्र बनाए हैं और अच्छे चित्र आपको बनाने हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया। आज आपको अपना काम भी YouTube पे देखने मिलेगा, आप YouTube पे आप लोग सर्च करेंगे तो अपने अपने फोटो देख पाएंगे, ठीक है, धन्यवाद।